मम्मी कह रही थी रिया, तो मैंने कहा थोड़ा हम भी हाथ बजा रहे थे इसमें, तो मैं बजा रहा था ऐसे सारे गामा पे, कह रही मालूम तुम्हें, पिछले कल भी शाम में कंपनी से आया तो बोलती थी कि क्या कि अभी भी सारे गाँव पा और आज भी सारे गाँव पा, बोला गाना तो बजा के दिखाओ, क्या कहते तुम अभी बताओ जरा, अभी कैब में काम क्यों बोल रही हो, बोलो किसके हम बोल रहे हैं कि कोई एक अच्छा गाना सा मतलब बजा के दिखाइए तो है, तुमने क्या पहले क्या बोला था, मेरे लिए बजा के दिखाओ, मेरे लिए बजा के दिखाओ, तो क्या बोलते हैं ये मेरे को, बहुत सारी लाइक वगैरह हाँ ये लगी बहुत लाइक बोल ली कि तुम्हारे वीडियो में बहुत सारे लाइक आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे, कमेंट कमेंट आएंगे, आएंगे। तो प्लीज देखो अगर मैंने इसके लिए गाना बजा दिया ना तो पक्का प्लीज लाइक और शेयर करो। मैं गाना स्टार्ट करूँ क्या, करूँ स्टार्ट गाना, तो हवा बर्फीली, आप देखिए बसंत ऋतु का पूरा आगमन हो गया है, पूरे खेतों में पीले पीले रंग के सरसों के फूल खिल चुके हैं, बसंत ऋतु आते ही सारे पेड़ों पे फूल खिलना स्टार्ट कर देता है, तो आप सामने देख रहे हैं नज़ारा, पूरे अभी तक ये खेत परसों तक हल्की की मिट्टी नज़र आ रही थी इन खेतों पर, पूरा का पूरा खेत हरे हरे दूर दूर तक ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो सामने वाली जो रोड है ना, इस वाली रोड पर निहारिका की बीच वाली क्लास, दो तीन क्लास उस वाली रोड पर चली थी, तो वहाँ से उस वाले कोने से हम लोग स्टार्ट करते थे, वो वहाँ तक आपके 4-4.5 किलोमीटर तक रोड जाती है आगे गांव तक, वहाँ तक हम लोग जाते थे, तो उसको उतना आ गया है, तो आज हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किसान पथ पे लेके जाऊँ, मतलब मेन हाईवे पे, वो सामने जो हाईवे है ना उस पर, उसको वहाँ से सीधे किसान पथ पर लेके जाऊँ, ताकि वहाँ पर वो 12-13 किलोमीटर गाड़ी एक बार में चलाए तो थोड़ा उसका प्रैक्टिस बन जाएगा, क्योंकि बीच में क्या होता है कि उसकी प्रैक्टिस मेरी वजह से छूट जाती है, क्योंकि मैं चले जाता हूँ अपनी कंपनी, तो उसके और शाम को वापस आता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता है उसको ट्रेनिंग देने का। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही रहेंगे, सेफ रहेंगे सब जगहों पे, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स में, तो आज का ब्लॉग हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, तो मैंने रूटीन स्टार्ट किया हुआ है डेली ब्लॉग का, बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे कि ये डेली ब्लॉग आपके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं औरों के जिनके ब्लॉग देखता हूँ ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा अपना ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेकार कर रहा हूँ, क्योंकि औरों के ब्लॉग काफ़ी अच्छे हैं मेरे ब्लॉग से, लेकिन मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली ब्लॉग में, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना की वजह से घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है, जैसे ही हमको मिलेगा परमिशन कि हम लोग आराम से बेफिक्र होकर घूमने आए, क्योंकि परिवार का भी देखना पड़ता है सिनेरियो थोड़ा बहुत, अगर अकेले पहले मैं रहता था तो मैं निकल जाता था, अपनी कोई फिक्र नहीं थी, अभी साथ में फैमिली रहती है तो उनकी फिक्र करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं बाहर बहुत निकलता हूँ कम। आ रहा क्या आ रहा, मेहनत कर रहा है, थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, क्या थोड़ा बहुत कर रहा है, जब तो मम्मी सीख रही है म्यूजिक तो पापा ने कसर किया है नाश्ते में, कौन क्या खा रहे हो पापा अभी यहाँ पे, गोभी का पराठे चटनी, तो निहारिका बना रही है उधर गोभी के पराठे और चटनी, तुम तो कह रही थी आलू के पराठे बनाऊंगी कल सुबह सुबह, तुमने भी को जज्बात चेंज कर दिया अपने, हैं चाय बना रही है साथ में, चाय ठीक है जल्दी ले लाओ, मेरे को भी देर हो रही है, गोभी के पराठे पापा हमें ध्यान दे रहे हैं सिर्फ, अभी नाश्ते की ओर को नाश्ता एक बार कर लें, तो उसके बाद अपने ने काम पे पापा अपना काम करेंगे टीवी देखने का, और मुझे है पापा पापा अपना रामायण पढ़ने चले जाएंगे, और मैं जाऊंगा अपना काम करने के लिए, निहारिका को भी नशा करके गाड़ी चार्ज करना है, थोड़ा ग्रोसरी का आइटम ले जाना है, तो ये मेरा थोड़ा शेड्यूल है। अभी क्या है ना कि मतलब बहुत दिन से मतलब 2-3 दिन से लगातार धूप आ रही है, जो कोहरा था वो बिल्कुल एकदम हट गया, लेकिन धूप तो आ रही है तो ऐसा लगा कि हाँ काफ़ी गर्म होगा, लेकिन हवा इतनी भयंकर ठंडी चल रही है ना, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फबारी है वो बहुत ज़्यादा है, इस बार मैं बर्फबारी देख नहीं पाया, वरना पिछले बार शायद हम लोग कहीं नहीं गए थे, पिछले बार मैं इस दिन मतलब था झांसी ग्वालियर में, तो मैं अपनी बाइक राइड करके गया था यहाँ से झांसी ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से फिर कानपुर होते वैसे आया था, तो पिछले बार वाले विंटर में मेरा ट्रिप था ग्वालियर और झांसी वाला, तो उससे पहली बार में हम लोग गए थे तुंगनाथ, मतलब बर्फ़ इतनी थी ना करीब 6-6 फीट बर्फ़ थी, पाँव डल लेते तो पूरे बना कमर तक पूरे गुजारते, इतनी बर्फ़ गिर रही थी लगातार लगातार,
तो अभी क्या है कि यहाँ मौसम तो धूप आ रही है, मौसम साफ है वैसे, लेकिन करें क्या, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। तो मैं निहारिका को लेके जा रहा हूँ गाड़ी चलाना सिखाने के लिए। अभी निहारिका की क्लास आज है छठी क्लास, छठी क्लास है ना आज। मैं दो तीन फील्ड में होगी है, दो रोड पे होगी है, जो गाँव वाली रोड है। आज हम लोग पकड़ रहे हैं मेन हाईवे, थोड़ा वो खाली रहता है, तो इसलिए ब्लॉग हम लोग ड्राइविंग का दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कमेंट किया हुआ है पिछले ब्लॉग में कि अब हमारा जो ब्लॉग आएगा वो निहारिका सीधे गाड़ी चला रही है ट्रैफिक पे, तो हम लोग उस दिन वाला डालेंगे। तो मैं खाली मतलब अपडेट दे रहा कि क्लास इसकी जारी है, ऐसा मत सोचता कि ऐसा कि निहारिका का एक महीना ड्राइविंग, क्योंकि गाड़ी ड्राइविंग करने में सीखने में ना टाइम लगता है, करीब स्किल आने में, मतलब ऐसे तो आप ये भी नहीं कह सकते मैं फुली ड्राइवर हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये रोड है और ये गाड़ी है, सब बाकी सब भगवान की मर्जी है ऊपर वाले की ना, तो सब बाकी भगवान की मर्जी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ऐसा, क्योंकि अपने आप को कोई फुल ड्राइवर कभी नहीं बोल सकता है कि मैं बिल्कुल ट्रेंड ड्राइवर हूँ, क्योंकि गलतियाँ इंसान से कहीं ना कहीं होती रहती हैं, ये ड्राइविंग स्किल ऐसी होती है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमने जाना है आगे सामान लेने के लिए, देखते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। निहारिका को मैं आज 15 किलोमीटर का राउंड लगवाऊंगा, तो उसमें देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सामान लेने। अच्छा वाला गाना है ना तेरी असर पे वाला, मैं दिन भर वही सुन रहा हूँ गाना। हाँ लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ब्लॉग बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जब निहारिका हाईवे पे गाड़ी चला रही है ना ऐसे, तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए कभी ये इस वाली लाइन पे पीली लाइन वाली क्रॉस कर दे रही, कभी इधर वाली पीली लाइन क्रॉस कर दे रही है, दोनों में से ना इतने क्या क्या रखा हुआ, दोनों लाइन क्रॉस करने लग रही है, सामने मजदूर भी आज लाइन दो है, पर सामने ट्रक अलग आ रहे हैं। मैंने इंडिकेटर ऑन किया मैं चार के साथ। Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me, go and find standing okay, get them. निहारी का एक जगह रोने भी लग गई थी, ये आंखों में देखो उसके आंसू, ये कभी जब गलती करते हो, हमारे टीचर से हम लोग को डांटते थे, तो हम लोग गलती करते थे तो टीचर डांटते थे ना, तो सेम अभी मैं इसका टीचर हूँ, तो आगे जहाँ पे गलती करेगी तो वहाँ पे डांट खाएगी, क्योंकि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो दो बार रिपीट हुई तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। निहारी का जैसे 5-6 बार ये गलती रिपीट करती है, तो डांटा तो निहारी का सेम ऐसे बैठी हुई थी गाड़ी पे। फिलहाल इसकी ट्रेनिंग पूरी होगी, पूरी ट्रेनिंग थी 1.5 घंटे की, हम लोग निकले थे 11 बजे और 12:30 बजे आए, उसमें हमने डिस्टेंस तय की थी, वो की थी आपके 33 किलोमीटर, मैंने निहारिका ने आज 33 किलोमीटर गाड़ी की, धीरे धीरे मतलब ऐसे अगर 30-30 किलोमीटर रोज पर डे के मिल जाएंगे, तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस बन जाएगी, थोड़ा सा गाड़ी जो फिर इसको ट्रैफिक पे लेके आना पड़ेगा, ऐसे आज भी मैं चला रहा हूँ ट्रैफिक पे गाड़ी, अभी मैं भी बता रहा ट्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी गाड़ी चलाना सीखा था, मतलब अपनी गाड़ी ना होने की वजह से होता ही है ना, अपनी गाड़ी और अपनी गाड़ी पर्सनल अपनी गाड़ी हो वो चलाना अलग बात होती है, बाकी दूसरी गाड़ी चलाना बहुत अलग बात होती है, फ़र्क होता है, मैंने एक बार पहले ही बताया था ये बात। तो फिर इसको ऐसे ट्रैफिक पे लेके आएंगे 2-3 बार ऐसे ट्रैफिक में, फिर कुछ कहीं सब्जी मंडी वाली जॉब है, तो फिर ये ट्रेंड हो जाएगी, तो फिर हमारी टेंशन थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो गाड़ी सिखाने के बाद हम लोग गए थे मार्ट में और वहाँ से लेके आए सामान, दिखाओ नहीं मेरे सामान, तो पूरी गाड़ी भर गई है, पूरे महीने भर का सामान हमारा आज आ गया, टोटल इसमें मतलब इसमें आज एक निहारिका की एक और ख्वाहिश पूरी होगी है, कौन सी खाली ख्वाहिश पूरी है बताओ, कौन सी बताओ, उसमें क्या है तुम्हारे लिए इसमें, हमारे यहाँ क्या ना, हमारे यहाँ मोस्टली मतलब बिजली जाती नहीं है, कभी कभी जाती है 15 मिनट के लिए, या कभी कोई वैसे ब्रेकडाउन हो गया तब आती है, तो ऐसा है, तो सोसाइटी में ना ऐसा कोई जनरेटर भी नहीं है, ना हमने इन्वर्टर कनेक्शन लेने आज से जरूरत पड़ी, तो जो लाइट जाती है तो निहारिका जो चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है, हाँ तो इमरजेंसी लाइट, तो निहारिका क्लास ने इमरजेंसी लाइट ले ली है, बस एक बचा है दही लेने के लिए, तो यहाँ से मैं लेके आता हूँ। हमारे आते हैं तो मम्मी ने घर में पूरे बना दिया है खाना, क्या बनाया खाने में है, हमारे यहाँ पर सोसाइटी में ये फायदा है
वैसे तो हमको लगता है कि गर्मियों के टाइम पे यहाँ धूप ज़्यादा रहती होगी और हमको गर्म ज़्यादा लगता होगा, उस साइड मौसम अच्छा रहता होगा, उस साइड से ये उस साइड वाला रहता पीछे वाला मतलब। लेकिन जाड़ों के टाइम पे क्या है ना, यहाँ पे धूप सुबह सुबह आती है, अभी शाम के बजे 5:15 तो अभी धूप जाने का टाइम हो गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल शाम का एकदम से अंधेरा होने वाला है। तो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए एक इन जैसे हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि सूरज उगता है एक पहाड़ के पीछे से और वापस जाता है एक पहाड़ के पीछे में, ऐसे ही उधर भी होता है कि समुद्र के पीछे से उगता है, समुद्र के अंदर ही शाम को मतलब डूबता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ क्या है कि इन शहरों में क्या होता है कि एक बिल्डिंग के पीछे निकलता है दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, तो मतलब ऐसा कोई सीन है। तो अभी मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक टाइम लैप्स सामने सनसेट का। तो सूर्यास्त का वीडियो बनाते बनाते एक नज़र पड़ी हुई है, देखिए ये खेत तो हरे भरे हैं, मैं सर खेत में इतना खेत सूखने के अलग है, लेकिन क्या है देखिए इस वाले खेत में आप देख सकते हैं, इस वाले खेत में देखिए पूरा नील गाय से पूरा भरा हुआ है। इसमें क्या है ना, नील गाय से बाकी तो जो फीमेल होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, जो ब्लू ब्लू होता है, ये जो ब्लू ब्लू है अभी तक कैमरा क्या थोड़ा वह है यहाँ पे ब्लू ब्लू है, तो ये जो है ये देखो ब्लू कलर का होता है, इसलिए नील गाय इसको बोलते हैं। देखो पूरा खेत उस किसान की पूरी मेहनत तबाह करती हुई नील गाय ऑलमोस्ट यहाँ पर आते रहती हैं ऐसे बीच बीच में। तो फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मम्मी पापा मैं और निहार का कर रहे हैं इवनिंग वॉक। ऐसा कुछ मतलब देखो इतनी ऊँची बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं 4th मंजिल में, और अभी इतने नीचे आए, मम्मी पापा मैंने मास्क पहना हुआ है, पापा ने मास्क पहना, और निहारिका और मैंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। तो आपकी रसोई में आज बन रहे हैं पिछले बेसन के लड्डू, क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या क्या बालू साई, तो मैंने किया सोन पापड़ी बना रही है, तो निहारिका सोन पापड़ी बना रही है, परसों कल को उसका व्रत है सोमवार का उसके लिए, और परसों को मंगलवार है तो दिन के काम आएगा। अभी जो ब्लॉग शूट हो रहा है ना वो लालटेन से हो रहा है, मैं देखा था कि इसकी लाइट कितनी है आगे, अगर लाइट चली जाएगी, वरना लाइट तो अभी है क्योंकि इंडक्शन चूल्हे में पानी खोल रहा है बिल्कुल बहुत तेज, लेकिन हम चेक कर रहे थे कि इसकी लाइट कितनी है ये, तो इसकी लाइट काफ़ी बखूबी अच्छी है, पूरा कमरे के उजाले में कर देगी। देखिए ये मम्मी का रियाज, देखिए अभी भी चल ही रहा है ये, मम्मी का रियाज अभी भी चल रहा है, मम्मी कर रही थी रियाज तो मैंने कहा थोड़ा हम भी हाथ आजमा लेते हैं इसमें, तो मैं बजा रहा था ऐसे सारे सा टाइम पर अच्छा है म्यूजिक, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम करता है, अगर शाम को आके इसमें थोड़ा बटन वटन दबाओ तो आराम से। तो निहार का क्या कहने वाला हूँ तुम्हें, पिछले कल भी शाम में कंपनी से आया तो बोलती थी कि क्या कि अभी भी सारे गाँव का और आज भी सारे गाँव का, बोला गाना तो बजा के दिखाओ, क्या कहते थे तुम अभी बताओ जरा, सुनो बोलो जरा क्या कहती थी अभी तक, अभी कैमरे गाने का नहीं बोल रही हो, बोलो। हम बोल रहे हैं कि कोई एक अच्छा गाना सा मतलब बजा के दिखाइए, तो किसके अभी तुमने क्या पहले क्या बोला था, मेरे लिए बजा के दिखाओ, मेरे लिए बजा के दिखाओ, तो क्या बोलते हैं ये मेरे को बहुत सारी लाइक, हाँ ये बहुत बोल रही की तुम्हारे वीडियो में बहुत सारे लाइक आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे कमेंट आएंगे, तो प्लीज देखो अगर मैंने इसके लिए गाना बजा दिया ना तो पक्का प्लीज लाइक और शेयर करो। मैं गाना स्टार्ट करूँ क्या, चलो स्टार्ट गाना रुक जाओ, तो मैं अभी गाना बजाना स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं ऐसे ही इसमें बनाऊंगा, इसमें किसमें कैसे हो बजाऊंगा, फिर उसके बाद अगर आप पहचान जाओगे तो कमेंट पर जरूर लिखना गाना, ठीक है कि कमेंट पर जरूर लिखना गाना कि मैंने गाना कौन सा बजाया निहारिका के लिए, पहले मैं वैसे बजा रहा हूँ फिर उसके बाद मैं गा के भी सुनाऊंगा, आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं गा के सुनाऊंगा एक बार, क्योंकि थोड़ा रिहर्सल हो जाती है, ठीक है। अभी आप जरूर लिखना कमेंट में कि गाना कौन सा है, पहले तो ये जरूर लिखना है, फिर उसके बाद अगर पहचान नहीं आया तो फिर ब्लॉग थोड़ा आगे कर देना, फिर मैं आपको गाना बताऊंगा कौन सा है। यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा
बता रहे हैं जो लोग नहीं पहचान पाए उन लोगों के लिए। एक प्यार का नगमा है मैं फिर से गाना सुना के आपको सुना रहा हूँ। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये हो गया गाना कंप्लीट। इसी गाने के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आज का दिन, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही, अगर डेली ब्लॉगिंग मुझे लगातार करनी है तो आप जरूर बताइए कि डेली ब्लॉगिंग आपको किस तरह की, तो मैं उसकी ओर तो इंस्पायर होकर, ज्यादा ज्यादा कमेंट आएंगे ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं इंस्पायर होकर डेली ब्लॉग करूंगा। थोड़ा बहुत इस पर भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा मम्मी को भी सिखा रहा हूँ। मम्मी भी खैर मम्मी तो मम्मी सिखाने लगी है, मेरे को उल्टा हो गया। मैं सब मम्मी को मैं सिखाऊंगा, मम्मी मेरे को सिखा रही है कि यहाँ पर सुरक्षित हो गया क्योंकि मम्मी दिन भर करती है रिया इसमें। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट लाइक शेयर जो करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अधिक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।